नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आलू आमतौर पर हर किसी की पसंदीदा सब्जी है। बचपन से ही सभी को आलू खूब खिलाया जाता है। बड़ों को भी लगभग हर सब्जी में आलू चाहिए। पूरे विश्व में आलू को एक प्रमुख आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है और कई पोषक तत्वों से भरपूर। ये हर किसी के मन में सवाल आता है कि रोज आलू खाना फायदेमंद है या नहीं। आखिर रोज आलू खाने से होता क्या है, तो आइए आपको बताते हैं रोज आलू खाने से होता क्या है। आलू सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आलू का छिलका पोटेशियम में समृद्ध है और इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सोडियम और कैल्शियम के तत्व होते हैं। ये भी विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है, जो त्वचा और आंतों के लिए स्वस्थ और अच्छे होते हैं। आलू में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की उपस्थिति हड्डी की संरचना और ताकत बढ़ाने में मदद करती है। जिंक और आयरन शरीर में कोलेजन की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका सेवन गठिया से राहत देने में मदद करता है। इसके अलावा उबलते आलू का पानी गठिया के दर्द और सूजन से राहत देता है। आलू के बारे में सबसे आम अफवाह ये है कि ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जिम्मेदार है। आलू में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। ये खाना पकाने की प्रक्रिया है जो इसमें कोलेस्ट्रॉल को जोड़ती है, जैसे तलकर यानी कि डीप फ्राई आलू का सेवन करना। विटामिन B6, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल की अनुपस्थिति हृदय के अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत है। अपने शरीर में एक स्वस्थ रक्तचाप स्तर बनाए रखने के लिए आहार में सोडियम की कम मात्रा का सेवन बहुत जरूरी है, लेकिन पोटेशियम का सेवन बढ़ाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे अन्य पोषक तत्व भी शरीर के रक्तचाप को स्वाभाविक रूप से कम करने के लिए जाने जाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार आलू का सेवन रोज कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके पोषण कंट्रोल की कला जानते हो। मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हर दिन इसके छोटे पोषण का सेवन करें। अपने आहार के माध्यम आकार के आलू को शामिल करने से कोई नुकसान नहीं होगा और इससे स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिल सकती है। दो सबसे आम गलतियां जो लोग करते हैं वो ये है कि आलू से तैयार खाद्य पदार्थों के वेरिएंट का सेवन करते हैं, जो या तो डीप फ्राइड होते हैं, और दूसरा ये है कि मात्रा के बारे में भूल जाते हैं और चिप्स का पूरा पैकेट खत्म कर देते हैं। अपने आहार में डाइट को शामिल करने के हेल्दी तरीके अपनाएं, इसके साथ ही वर्कआउट करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।